सो वेलकम दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास व्यू वाई 21 मोबाइल है और आपका मोबाइल जो है काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है, यानी कि लैग कर रहा है, तो आज की ये वीडियो में आपको कई स्टेप बताने वाला हूँ। आपको तीन चार स्टेप बताऊँगा जिनको फॉलो करके आप अपने हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, यानी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे जो पहला स्टेप है दोस्तों, आपको पहला स्टेप में क्या करना है ध्यान से आपको देखना। आपको जाना है अपने मोबाइल की जो फाइल्स है उसको ओपन करना है, और फाइल्स को यहाँ पर देखना है कि कितनी इसकी फाइल जो है वो भरी हुई है। दोस्तों आपकी फाइल जो होती है वो कम से कम जो है आपकी आधी भरी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके स्टोरेज जो 64 GB का है तो उसमें जो है 50 GB से ऊपर नहीं भरा होना चाहिए। अगर आपका 50 GB से ऊपर भर जाता है स्टोरेज तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ही लैग करने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी फालतू की फोटो और वीडियोज़ हैं उनको डिलीट करते रहना है। उसके बाद दूसरा स्टेप दोस्तों यहाँ पर आता है, ध्यान से देखना आपके मोबाइल में काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है और वो फालतू में जो है पड़ी रहती हैं और जो है रैम का यूज़ करते हैं। तो उनको क्या करना है, जो भी आपकी लगता है कि आपकी जो जो एप्लीकेशन आपकी फालतू की है उसको आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर देखिए, ये एप्लीकेशन मेरे कोई काम की नहीं थी तो इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिनको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपका जो मोबाइल का रैम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि आपका फ़ोन लैग नहीं करता है। तो दोस्तों इन दोनों स्टेप का आपका ध्यान रखना है। पहला तो आपको मेमोरी खाली रखना है, दूसरे आपके फालतू के ऐप्स नहीं रखना है, उनको डिलीट कर देना है। अब दोस्तों आपको मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। उस सेटिंग को करके आप जो है काफ़ी ज़्यादा लैगिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों जो सबसे पहला अब यहाँ पर तीसरे नंबर का काम करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हर वीवो के फ़ोन में यहाँ पर सबसे नीचे फ़ोन एक ऑप्शन होता है यहाँ पर अबाउट फ़ोन का, तो आपको अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको बिल्ड नंबर पर लगभग 7 बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डेवलपर ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है एक बार और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का। देखिए सबसे नीचे ही सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन पर चले जाना है। अब दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जाना है आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए और काफ़ी नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डोंट कीप एक्टिविटीज़, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट जो है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक या दो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं दो पर क्लिक कर दूंगा, इससे होगा कि आपके दो ऐप्स से ज़्यादा आपके बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे, जिससे कि आपकी लैगिंग जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ऊपर जाना है थोड़ा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए विंडोज़ एनिमेशन स्केल, इनको मैंने सबको ऑफ करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा फ़ोन जो है लैग नहीं करता है। आपका मोबाइल अगर लैग करता है तो यहाँ पर आपके में ये स्पेस सेलेक्ट होगा, तो आपको करना क्या है, इस विंडोज़ एनिमेशन स्केल पर क्लिक करके आपको इसको एनिमेशन ऑफ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल इसको भी आपको ऑफ कर देना है। इसके नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, तो इसको भी आपको ऑन यानी कि ऑफ कर देना है। इन सभी सेटिंग्स को आपको कर देना है। अब दोस्तों आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम था, लैगिंग प्रॉब्लम था, वो ख़त्म हो गया होगा। अगर इतने स्टेप आपने फॉलो कर लिए हैं तो आपका हैंगिंग या लैगिंग प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।